Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to cover our lecture number 20 of MGT 301. In the previous lecture we covered individual product decisions, and it's a complete line that encompasses the product attributes, branding, packaging, labeling, product sources. We covered all the points in detail, and we will again touch some of them. About this, then branding. Branding क्या चीज होती है? Branding है एक name, term, sign, symbol, design और combination these. अभी देखने इसमें एक चीज नहीं है. आप देखने इसमें आप देख लें कि नाम है, आपके name, term, sign, symbol, design और combination of these. कोई इसमें लाजमी नहीं कि सारी हो, combination हो सकता है, कम ज्यादा different चीजें हो सकती हैं. एक एक ब्रांडेड नाम है, कहते जी ब्रांड के कपड़े पहने हुए फलाने उसका मतलब है कि कोई खास ब्रांड होगा जो उसकी इंडिविजुअल की उस कस्टमर की लाइकिंग का ब्रांड हो सकता है. खवातीन है उनके अपने बुटीक्स भी हो सकते हैं, ब्रांड्स के शूज के ब्रांड्स हो सकते हैं, ज्वेलरी के ब्रांड्स हो सकते हैं, फॉर क्वालिटी एनीथिंग वो ब्रांड में आ जाती है. इवन के कोई होटलिंग करता है तो उसके भी ब्रांड है, रेस्टोरेंट्स की बात हो तो वो भी एक ब्रांड वाली बात आ सकती है कि वो कौन सा ब्रांड है जिसमें वो कर रहे हैं. तो ये भी एग्जांपल मैंने समझाई थी कि ब्रांड है, जैसे ये एप्पल है, ये नाइकी है, लॉरेंस है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको समझाई थी कि ये कैसे कैसे इसका है, उसका टैग लाइन क्या होती है और फीलिंग उसकी क्या, अगले कहते हैं कि इसकी फीलिंग क्या है. जैसे एक फर्टिलाइजर फैक्टर सेक्टर में आ जाते हैं कि सोना यूरिया है, सर सब्ज एंड शादाब, सर सब्ज है तो वो एक किस्म का एक लोगो होता है, देन ब्रांड है और उसके बाद वो एक ऑटोमेटिक है पहचान जाती है क्या चीज. ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड नेम सिलेक्शन, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डेवलपमेंट, जैसे जैसे ब्रांड का नाम भी है, सिलेक्शन प्रोटेक्शन और ब्रांड जो है खुद अपने आप को बताया वो क्या चीज है. ये हमने बात की थी इंडिविजुअली, पुरानी स्लाइड है जिसमें मकाल वाली स्लाइड है. इंडिविजुअल ब्रांडिंग क्या है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या है. अम्ब्रेला मीन कीजिए, देखो ये नाम आग वर्जन जो है इट इज विद एवरीथिंग, तमाम चीजों के साथ लगा हुआ है और बाकी जो ये एक अम्ब्रेला है, एक ग्रुप के फर्दर उसकी छोटे सेटअप्स हैं. एक कोको कोला है, स्प्राइट, डाइट, ये वो सारे ब्रांड के अंदर आ जाते हैं, इंडिविजुअल ब्रांड्स उसके. देन कमिंग ओवर टू द ब्रांड स्ट्रेटजीज, हमने पढ़ा था कि लाइन एक्सटेंशन जो है उसके अंदर क्या है, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ऊपर देखना ये चीज उसके लिए ये ग्रिड बनता है. आप देखें एक्स एक्सेस बाई एक्स एक्सेस और एग्जिस्टिंग क्या चीज है, ये एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है और एग्जिस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी है. एग्जिस्टिंग तो इजी, इसको लाइन एक्सटेंशन कहते हैं. फिर हमने मल्टी ब्रांड्स भी पढ़ा, फिर हमने ब्रांड एक्सटेंशन पढ़ा, न्यू ब्रांड क्या होता है ये भी हमने पढ़ा, ये क्या चीज होती है, गुड ब्रांड नेम क्या हो सकता है, ग्रोड नेम क्या होना चाहिए, अच्छा ब्रांड कहना है, शॉर्ट डेफिनेटली होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सजेस्टिव प्रोडक्ट बेनिफिट यानी ऑटोमेटिक होता है आपके जो प्रोडक्ट उसका क्या फायदा है, लीगली अवेलेबल है, नो नेगेटिव इमेजरी, नेगेटिव उसमें इमेज नहीं जाना चाहिए कोई उसमें, कल्चरल अभी देखने कोई भी रिलीजन और कल्चर मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि उस चीज़ों को भी एड्रेस करता हो, ये ना कि उसके नाम के साथ कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी चीज़ हो या कोई सुपरस्टिशन टाइप की ऐसी लगो, मिथ किसी चीज ऐसे अटैच हो या टैग हो जिसकी वजह से लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे यार क्या चीज है, या कोई रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नेगेटिव नफरत, हम मुसलमान मुल्क में रह रहे थे कोई ऐसे कोई टच ना दे जिसमें ये कि दूसरे रिलीजन को प्रमोट करने वाली बात हो, तो उस एरिया के ट्रायल के हिसाब से डिपेंड करता है. जैसे टारगेट मार्केट आपने मैंने क्या बताया था उसको, आप जब वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल तरीके से, तो अलग अलग आप कार्ड बनाकर सारी चीज़ें देखते हैं क्या है, तो वो उसको देखते हुए आप ब्रांड का नाम भी उस तरह होना चाहिए, उस चीज़ उस तरह होना चाहिए क्या चीज़ एक उसको क्लिक करती है. जेनेरिक नेम है ब्रांड नेम दैट हैज बिकम जनरली डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर द क्लास ऑफ प्रोडक्ट, जनरली एग्जाम्पल है नायलॉन, एस्प्रीन, एस्केलेटर, केरोसिन, बड़े नाम है, इट इज अकर्स, बाकी केरोसिन है बेसिकली, तो ये फार्मूला होता है ना हर चीज का फार्मूला है और उसका नाम एक दिया हुआ है, ओरिजिनल ओनर लूज राइट टू द ब्रांड नेम जिसकी ऑटोमेटिक लूज में आ जाती है. पैकेजिंग, पैकेजिंग में अगेन एग्जांपल ये टूथपेस्ट, टूथपेस्ट ये पेस्ट, टूथ यानी पेस्ट इटसेल्फ
ये उसकी पैकिंग है, ये ऊपर जो बोतल टाइप बनाई है, जो टूथपेस्ट की जो होती है, कि पैकिंग इटसेल्फ, अंदर जो मटेरियल असल चीज उसकी, उसका वो चीज की बात नहीं कर रहे, जो पैक जिसके अंदर ये पैक होती है वो चीज, दैट इज द थिंग। गोल ऑफ पैकिंग क्या है, प्रोटेक्शन तो है ही है कि चीज के अंदर वो चीज प्रोटेक्ट हो जाती है अगेंस्ट डैमेज, स्पॉइलेज, टेम्परिंग, असिस्ट इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि आपकी पैकिंग इतनी महंगी हो कि वो असल चीज के रेट्स के ऊपर कवर कर जाए, वो भी ध्यान में रखें। लेबलिंग क्या होती है, ये देखना ये लेबल लगा हुआ और राइटिंग शाइटिंग जो ऊपर पूरा एक कोड लगे होते हैं सारा कुछ, ये देखे लेबलिंग हो सारा कुछ। प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन अपीयरिंग ऑन और विद इन द पैकेज, प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट ब्रांड, डिस्क्राइब सेवरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट थ्रू अट्रैक्टिव ग्राफ्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, ये देखने, ये आपका का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, UPC बार कोड जो लगा होता है, इसमें ऑटोमेटिक जो ना उसकी डिटेल्स होती हैं और इसका नाम आ जाता है जब आप उस मशीन के साथ इसको अटैच करते हैं स्कैनर के साथ, तो उसके इसकी कीमत वगैरह सब नाम भी आ जाएगा, कीमत भी ऑटोमेटिक उसकी उसके अंदर आ जाती है, ये भी एक उसका हिस्सा है। पैकेजिंग अभी इसको एक इसको देखें, ये इसको दो हिस्सों में करें, पैकेजिंग में प्रोडक्ट सेफ्टी नहीं पैक हो रही ना, कम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले और सेल्स टास में हो, और लेबलिंग इसको नीचे वाले हिस्से में आप कंसिडर करें, आइडेंटिफाई करें उस प्रोडक्ट को, उसको एक्सप्लेन भी कर दें और उसकी प्रमोशन में भी उसको मददगार हो। पैक यानी चीज़ को हफाजत के साथ पैक करना, या जो जो चीज़ उसके अंदर कंटेन हो जाए, पक्की महफूज हो जाए, गिरे ना, डिपेंड करता है लिक्विड फॉर्म में है आपकी जो है वैपी, या सॉलिड फॉर्म में है, या जिसमें लूज फॉर्म में किसी में भी हो सकती है, जैसे चीनी हो सकती है, हो सकती है, नमक भी सब हो सकता है, एनीथिंग ऑफ दैट, वो कोई भी चीज़ है। ये इसको इसलिए करें, इस क्रोड को आप अलग अलग देखें, वो तो पैकिंग को अलग और जो है दूसरी चीज़ को अलग आप देखें इसको उसके लिहाज से। देन आपकी आगे जी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, कंपनी शुड डिजाइन इट्स सपोर्ट सर्विस टू प्रॉफिटेबिलिटी मीट द नीड्स ऑफ टारगेट कस्टमर। क्या चीज़ थी, कल मैंने आपको जैसे बताया था प्रोडक्ट ड्यूरिंग आफ्टर सेल सर्विस लाभ अगला सारा कुछ उसमें शामिल होता है, इसके जैसे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, सर्वे कस्टमर टू असेस द वैल्यू ऑफ द कस्टमर, करंट सर्विसेज उन्हें उसको कैसे करने के लिए उन्हें आफ्टर सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विस या सिक्योरिटी सर्विसेज में आ जाती है, कॉस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग इज डिजायर्ड, यानी कि आप वो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आपके असल प्रोडक्ट उस कॉस्ट के लिहाज से वो चीज़ है, अगर कॉस्ट फॉर एक 1000 की एक चीज़ है, आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन बाद में वो सर्विसेज आपको महंगी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ आपने बैलेंस आउट करनी है, कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि वन टाइम सर्विस है, टू टाइम सर्विस है, इवन आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उन्होंने एक कूपन देते हैं कि फर्स्ट सर्विस वो फ्री होगी, सर्विस उसकी ट्यूनिंग गाड़ी की वो फ्री होगी, ऑयल चेंजिंग वगैरह वो फ्री होगी, डिपेंड करते हैं कॉस्ट ऑफ ऑयल लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन उस सर्विस करने के चेंज करने के वो पैसे नहीं लेते, और क्योंकि गाड़ी के एक डिटेल इंस्पेक्शन कर लेते हैं सर कि उसमें कोई नट बोल्ट कोई चीज डीडी नहीं होगी, कोई सी लीक नहीं होगी, कोई किसी किस्म की एब नॉर्मल कोई चीज एक्टिविटीज तो गाड़ी के नजर नहीं आ रही, टायर कोई फूलत नहीं गया, कोई ऐसी चीज नहीं हुई, तो वो सारी चीजें उसको देखते हैं। तो प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलाएंगे, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज में क्या चीज होती है, एक स्ट्रेचिंग फिलिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग है प्रोडक्ट लाइन, स्ट्रेचिंग है एडिंग न्यू आइटम टू द लाइन, अभी जो भी आपके चले उसके अंदर न्यू आइटम कोई ऐड कर ली, जैसे कोका कोला ये कोई है तो उसमें पहले आपने जो जैसे कोका कोला में फांटा है तो उन्होंने सेम पहले वो थी फांटा ऐड हुई और उसके बाद डाइट ऐड हो गई, तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो ऐड होती हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड टू वे किसी तरह भी वो चीज़ें उसकी डायरेक्शन हो सकती है, फिलिंग एडिंग साइजेस और स्टाइल उसमें आप छोटा बड़ा साइज, अभी देखे कोका कोला के एग्जाम्पल पहले जी 1 लीटर की बोतल, 1.5 लीटर की बोतल, 2 लीटर की, 2.25 लीटर की बोतल, तो वो डिफरेंट है, पहले सिंगल बोतल जो होती थी 2.5 लीटर वाली, तो मुख्तलिफ साइजेस भी कर लेते हैं, वो डिपेंड करते हैं, हाँ जी फैमिली पैक दे दिया जी, ये जी रमजान पैकेज में आ गई और भी मैचेस में फंक्शंस हैं तो उस लिहाज से वो देख लेते हैं, तो हर चीज़ को इस लिहाज से देखते हैं। कुछ है कि कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोडक्ट लाइन, यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपीरियंस करते हैं कि उसका फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा, तो उसको खत्म भी कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल्स हैं फेरी लवली फेस वॉश, डिफरेंट रेंजेस ऑफ फेस वॉश एंड डिफरेंट People, this strategy is called extension. अभी देखने ये कि एक apparently देखने में एक ही है लेकिन इसके different किस्म की हैं, अभी ये देखो orange type नजर आ रहा है इसका,
लोगो जो है इसका ब्लूइश है, इसका जी आपका पर मैरूनिश टाइप कह लें, एक पर्पलिश टाइप कह लें, तो डिफरेंट किस्म की उसमें आ जाती हैं कि सेम एक्सटेंशन है उस प्रोडक्ट की, अपरेंटली देखने में एक ही नजर आती है, लेकिन आगे जो फर्दर उसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। ये देखिए जो कोका कोला लाइफ, कोका कोला जीरो, कोका कोला लाइट, ये डिफरेंट किस्म की है, ये एक स्टैंडर्ड दी हुई है। देन लाइन एक्सटेंशन में ये टेन में आ गई चीजें, डोव में ये डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशन आ गए, या अगेन कोलगेट में डिफरेंट किस्म की आपके उनके ऑप्शन आ गए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि नई प्रोडक्ट का डेवलप हो जाना, ठीक है, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, न्यू ब्रांड थ्रू द फर्म्स ओन R&D, एक नई प्रोडक्ट अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट से कोई आप नई प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, स्टेजेस क्या हैं, कोई आपको आइडिया जेन में आता है, देन आइडिया को आप सलीसे स्क्रीन करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कोई जान है कि नहीं है, कंसेप्ट और जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है कैसे वो आइडिया को आगे उसकी असल शेप में किया जा सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसकी बनाई जाती है, बिजनेस एनालिसिस किए जाते हैं, प्रोडक्ट को बना लिया जाता है, देन उसके टेस्ट किया जाता है कुछ खास एरिए में, वो बना के लोगों से टेस्ट भी किया जाता है, देन उसके कमर्शलाइजेशन होती है, उसकी मार्केटिंग करवा की जाती है और उसमें कमर्शलाइजेशन की जाती है। तो कोई भी आइडिया है कि ये बल्ब जो है देखने के से ये नहीं कि ऐसे ही बल्ब लगा दिए, बल्ब का मतलब है कि नई रोशनी, नया आइडिया, कोई चीज आई है, आइडिया आपका आपको बल्ब जल गया दिमाग के अंदर नए आइडिया की शक्ल में। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स आपके क्या सकते हैं, न्यू इन द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड हाई इन डेफिनेशन, टीवी, आईपॉड, फ्लैट स्क्रीन टीवी, प्रोबोटिक आइसक्रीम एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। अभी कोई भी चीज़ आपको नई आती है, अभी मोबाइल कोई आप देखें, ये पहले आपको सिंपल सिंपल मोबाइल होता था, फिर एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, तो अभी टच स्क्रीन मोबाइल आ गए, तो वो एक नई से नई इनोवेशन चीजें आई जा रही। आइडिया जनरेशन में क्या चीज है, इंटरनल आइडिया सोर्स R&D वाले करते हैं, सेल्स फोर्स करते हैं, सेल्स फोर्स वाले को आइडिया कैसे आ सकते हैं कि उधर लोग को वो देखते हैं कि लोग चाहते क्या हैं, डिस्कशन से अंदाजा लगाता है, लोगों के ट्रेंड से अंदाजा लगाता है कि यार जो चीज बेचने जाते हैं उसमें से पीपल डू आस्क नंबर ऑफ अदर क्वेश्चन कि हाँ जी ये चीज भी हो जाते अच्छा हो जाएगा, ये चीज भी हो जाते अच्छा हो जाएगा, कस्टमर बताते हैं, कंपटीटर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से, उधर से भी आपको आइडिया मिल जाते हैं। न्यू प्रोडक्ट आइडियाज वाली बात है, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग से, सेल्स फोर्स से, इनोवेशन ग्रुप आइडियाज से, स्टेक होल्डर जो है वो है, एम्प्लाईज कोई सजेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट इटसेल्फ उनको कोई बताता है, तो वो चीज़ें आ जाते हैं आइडियाज के जरिए आते हैं। एम्प्लाईज भी जाहिर बता सकते हैं कि वो कहाँ जी एक आइडिया जी ऐसे कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज भी आ जाती हैं, मार्केटिंग रिसर्च है, कोई भी और अदारा हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, क्योंकि बाजू का तो होता है कि बंदा फॉरेन ट्रिप पे जाता है, वर्ल्ड टूर पे या फॉरेन ट्रिप पे किसी का जाता है, तो उधर चीज़ों को वो देखता है, उधर वो आल्दो वो चीज़ें उस इलाके के लिहाज से, उस कल्चर के लिहाज से होती हैं, लेकिन उस चीज़ को सेम चीज़ को अपने कल्चर के लिहाज से मॉडिफाई करती है, तो वो चीज़ बना ली जाती है, आइडिया उधर से बंदा जनरेट करता है, वो लेकर आता है। पाकिस्तान मोटरवेज का डेफिनेटली आइडिया कहीं से आया है, बाहर दुनिया में ये मोटरवेज हैं पहले से, बड़ी देर से हैं, अब मेट्रोज बड़ी अरसे से दुनिया में मेट्रोज चल रही हैं, वो ठीक है, वो चीज़ चल रही है। डैम्स का आइडिया पाकिस्तान में, डैम द मेन डैम तो 60s की सीरीज में 60s में बने ज़्यादा, लेकिन कुछ अभी बनने के प्रोसेस में, तो वो थे कि हाँ जी कोई नीड फेल्ट, नीड कहाँ जी पानी की स्टोरेज चाहिए, बिजली चाहिए, वो उसके लिए कैसे चाहिए, पानी कैसे स्टोर होगा, बिजली कैसे पैदा होगी, दिस टू क्वेश्चन उसके ऊपर देखा, ऑप्शंस वर्कआउट कर लिए जाते हैं, उसके ऑप्शंस को देखा जाता है कि वो आपके मुल्क के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से कौन सी चीज़ बेस्ट फिट हो सकती है। अच्छा, ट्रेड और मैगजीन डेफिनेटली कई होते हैं कि मैगजीन, ट्रेड मैगजीन आपने को रिव्यूज दिए होते हैं, कोई आइडिया दिए होते हैं, उसमें से पता चल जाता है। देन आइडिया मैनेजमेंट सिस्टम, IMS, आइडिया मैनेजमेंट पॉइंट रिस्पेक्ट, कोई इसमें ना कि जो भी होते हैं R&D वाले जो आइडिया है, कोई भी आइडिया तो अक्सर होता है कि आपको बिजनेस इंटेलिजेंस कमेटी एक बना दी जाती है मेन अदारों में या मेन बड़ी कंपनी है, बिजनेस इंटेलिजेंस कमेटी इसका नाम ले लें, इधर आप उसको कह लें कि कोई आइडिया मैनेजमेंट कमेटी आप नाम ले लें, कोई भी इसका नाम हो सकता है। बेसिकली उसका मकसद क्या है कि जितने भी आइडियाज आते हैं किसी भी शे में, किसी भी तरफ से जो भी आइडियाज आते हैं, उसको वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या चीज़ है,
बस का तो वो देने वाला तो अपना आइडिया दे देते हैं, लेकिन वो चीज ऑलरेडी डेवटेल हुई होती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, ऑलरेडी आप लोग वो चीज कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो उस तरह वो ब्लो अप नहीं होती, यानी इतनी आप उसके ऊपर उसकी मार्केटिंग नहीं हुई होती, तो आप उसका फिर एडवांटेज भी लेते हैं उस चीज को, थोड़ा सा और मार्केटिंग में उसका टच दे देते हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट बनी होती है तो उस एडवर्टाइजमेंट में उसका भी एक टच देते हैं, हाँ जी इसमें ये चीज भी है, ठीक है कोई एक नए फीचर वाली बात है, ऑलरेडी वो फीचर होता है लेकिन आपने मार्केटिंग नहीं की होती, जब आप कहते हैं हाँ जी इसके अंदर ये फीचर भी है तो क्या बात है कुछ ही, वो भी खाने में आप देखें ना भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कुकिंग ऑयल जी सो एंड सो कंपनी का जी, उसके लिए आपके जी मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है जी आपके अंदर ताकत आ जाती है, आपकी जो है ना जिल्द जी बड़ी मुलायम हो जाती है, जिल्द में आपको वो सफेदी आ जाती है, फर्ज किया ऐसी कुछ चीजें वो अगर वो कह दें तो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बायर के ऊपर डिपेंड करता है, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साइकी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे साइकोग्राफिक आप स्कोर कार्ड बनाते हैं उसकी डेमोग्राफिक जब आप उसकी करते हैं सेग्रीगेशन करते हैं तो उसमें सारा कुछ आ जाता है आपकी, तो डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी पता चल जाता है कौन लोगों के परमिट्स ले सकते हैं, तो उसकी स्क्रीनिंग बाद में की जाती है, स्क्रीनिंग वो उदाहरण भी उसमें एग्जांपल है प्रोडक्टिवली यूजफुल टू कंज्यूमर और सोसाइटी फायदेमंद है कि नहीं है और कंपनी के लिए उसका क्या फायदा नुकसान है, उन्हें उसको तमाम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तमाम उसको हर लिहाज से देख लिया जाता है वो कैसे इसकी फिजिबिलिटी क्या बनती है, और उसको फिर कंसेप्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रोवाइड डिटेल्ड वर्जन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, उसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिर देखते हैं कि क्या है इसकी डिटेल वर्जन क्या हो सकता है, ठीक है, और फिर टेस्ट वगैरह भी करके तो सारा कुछ उसको दिखाया जाता है, देन मार्केटिंग स्ट्रेटजी टारगेट मार्केट प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड सेल्स शेयर एंड प्रॉफिट गोल्स फॉर द फर्स्ट यूज, बाजार उसको बेसिकली जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसको फिर पहली प्रोडक्ट के साथ इस प्रोडक्ट को भी साथ मार्केट किया जाता है, पता चल जाता है कि हाँ जी लोगों का इसके ऊपर रुझान क्या है, ट्रेंड क्या है, यानी इनिशियल एक बड़े लिमिटेड स्केल पे चीज बनाई जाती है, लेकिन लेटर ऑन जो है ना उसको मार्केट के रिस्पॉन्स के लिहाज से वो चीज को उस तरह इंक्रीज कर दिया जाता है, बिजनेस एनालिसिस सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट प्रोजेक्शन, डेफिनेटली जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसने अपने हर चीज को अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि उसको ये काम करने का कितना फायदा है, अगर तो फायदा है तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट, फर्ज के वो कहते हैं कि पहले जो मार्जिन था वो दे वर अर्निंग अबाउट 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसमें सारा कुछ शामिल हो निकालने के बाद उसको प्रॉफिट 20% फॉर एग्जांपल मिल रहा था, लेकिन न्यू आइडिया में सारा कुछ करने के बाद उनको प्रॉफिट फर्ज के मिल रहा है 15%, तो देन दे हैव टू थिंक अबाउट के अगर तो वो पहले वाली जो प्रोडक्ट है उसकी आप ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा सेल उसकी करके तो प्रॉफिट उसके बनाने में फायदा है कि ये नई चीज प्रोडक्ट में फायदा है, उसमें ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाती है, यानी मैक्सिमम जितनी उसकी बिक्री या सेल्स होनी हो सकती है उतनी वो सेल्स पे पहुंची होती है, अगर जब उस चीज पे पहुंच गई तो डेफिनेटली फिर आपको आपने वो चीज पहले एनालिसिस करनी, अगर तो ओवर नहीं पहुंची तो पहले आप उसको भी उधर लेके जाते हैं मैक्सिमम सेल की तरफ, और उसके साथ साथ नई प्रोडक्ट बनाने का ये फायदा है कि एक नई चीज के तौर पे आपकी ये चीज बिकनी शुरू हो जाती है, और प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली फिर अगर पैसेज ऑफ टाइम यू कैन एनालाइज जब प्रोडक्शन ज्यादा शुरू हो जाती है तो आस्ते आस्ते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कंट्रोल हो जाती है, बीच में जो 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 होते हैं टाइम वेस्टर या दूसरे टाइम रॉबर और जो कॉस्ट ऑफ रीप्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है ना वो आस्ते आस्ते आपकी कम होती जाती है और आपका प्रॉफिट मार्जिन बेहतर की बेहतरी की तरफ चल पड़ता है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप का मतलब है कि आप उसकी एक चीज बना लेते हैं, उस तरह की प्रोटोटाइप बना के तो आप देखते हैं कि हाँ जी वो चीज कैसी बनेगी, एक्चुअल शेप बनाते हैं उसकी। अच्छा, टेस्ट मार्केटिंग, स्टैंडर्ड टेस्ट मार्केट, कंट्रोल टेस्ट मार्केट, सिमुलेटेड टेस्ट मार्केट, कोई भी डिपेंड करता है चीज के ऊपर आपकी चीज है क्या, बड़े लेवल की है, फर्ज किया कि जहाज है नया बनाया है तो जाहिर है उसको आप बना के ऐसे इतनी के ऊपर अड़ा दिया और वो गिर गया तो बस दैट्स अबाउट ऑल, ऐसा नहीं है, उसको सिमुलेटर के थ्रू पहले टेस्टिंग सारी करते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग यानी इस तरह की टेस्टिंग है जिसमें नुकसान ना हो, ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन वाली टेस्टिंग हो सकती है लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट है क्या,
उसके बेस पे वो टेस्टिंग की जाती है। स्टैंडर्ड टेस्ट मैंने जैसे कंट्रोल में फ्यू स्टोर दैट है, अभी कुछ ही छोटी की मतलब किसी कंट्रोल के कुछ चंद स्टोरों में उधर आपके प्रोडक्ट ले जाते हैं। स्टैंडर्ड फुल मार्केटिंग कंपेन है, सिमुलेटेड टेस्ट इन सिमुलेटेड शॉपिंग एनवायरनमेंट विद सैंपल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, वो कुछ कंज्यूमर के तो वो और टेस्ट करके सिमुलेट करके देखते थे। कमर्शियलाइजेशन जो आपकी स्टेज है, की इश्यू में टॉप लेवल सपोर्ट है, अथॉरिटी है, मार्केट गाइडेड आर एंड डी एंड इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन है, नहीं एंड पे कमर्शियलाइजेशन, तो उस वक्त होगी ना चीज़ आपकी जी सारा कुछ हो जाएगा। स्पीडिंग अप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो तो चीज डेवलप होती जाती है, डिफरेंट जैसे स्टेप्स हैं 1 2 3 4 ये स्टेप्स हैं साथ साथ, वेरी इसकी कोई ये नहीं पहला स्टेप तो ये हो रहा है और साथ दूसरा स्टेप भी स्टार्ट हो गया, नहीं ये पहले स्टेप का साथ असर है दूसरा भी हो गया, अभी तीसरा स्टेप है और ये साथ चौथे स्टेप का भी साथ साथ काम शुरू हो गया। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि और नहीं, इसका मतलब ये भी स्टेप्स ओवरलैपिंग भी साथ साथ हो रही होती है। जेनी स्पीडिंग अप के मैनी कंपनी ऑर्गेनाइज देयर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू द ऑर्डरली, एक सीक्वेंस उसके बना लेते हैं, वर्क्स इंडिविजुअली टू कंप्लीटेड स्टेजेस फॉर द प्रोसेस बिफोर पासिंग द न्यू प्रोडक्ट एन ऑर्डरली स्टेप अप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैन हेल्प ब्रिंगिंग कंट्रोल टू द कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की प्रोजेक्ट, डेंजरसली स्लो भी हो सकते हैं सारी चीजें, प्रोडक्ट फेलियर भी हो सकते हैं और उसको स्पीड को उस लिहाज से एडजस्ट किया जाता है। जरदार उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो भी है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पूरी देती है तो फिर वो आगे चलती है। इन ऑर्डर टू गेट देयर न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट मोर क्विकली मेनी कंपनीज आर अडॉप्टिंग अ फास्टर टीम ओरिएंटेड अप्रोच कॉल्ड साइमल्टेनियस, जैसे वो पीछे एक ग्राफ था उसमें आपको बताया था कि साइमल्टेनियस चीजें हो रही होती हैं, एक चीज साथ साथ दूसरे का भी साथ साथ प्रोसेस शुरू हो जाता है। अपरली आप कोई भी देखें कि ये डिफरेंट राइटअप में ये वैसे स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज चीजें सारी की सारी ऑटोमेटिक साइड बाय साइड चलना शुरू हो जाती है। इवन आइडिया आता है क्योंकि हर काम करने के अलग अलग लोग होते हैं, आपके जो रिसर्च करने वाले अलग लोग हैं, आपकी मार्केटिंग वाले अलग लोग हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले अलग लोग हैं, आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए अलग लोग हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोक्योरमेंट है तो उसको देखने वाले आपके अलग लोग हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले आपके T&E, आप इसको कह रहे हैं T&E नहीं मैं कह रहा हूँ T&E नहीं, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल आस्पेक्ट के एंगल से उसको देखने वाले और लोग हैं, फाइनेंशियल आस्पेक्ट को देखने वाले और लोग हैं, बाकी तो ओवरऑल स्पोर्ट्स सर्विस में आ जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गई, सिक्योरिटी भी आ गई, उससे रेलेवेंट कोई भी लोगों को आना जाना तो प्रोटोकॉल आस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं, वो भी बीच में आ जाते हैं, जो भी और मैनेजमेंट के इश्यूज हैं डिस्कशंस हैं उनकी, जो बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटीज हैं उसके पर उसके पर स्पेशल कमेटी बन जाती है, देखते बिजनेस इंटेलिजेंस कमेटी, वो कमेटी होती है जो कि कोई भी नया आईडी उसको स्क्रीनिंग करती है, फिर उसको बड़े लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटीज मीटिंग में उसको डिस्कस करते हैं, फिर बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटीज में उसको डिस्कस करते हैं, देन जब उसमें भी उसके बाद बोर्ड की जो डिफरेंट कमेटी होती है, इसको जो टेक्निकल कमेटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टेक्निकल कमेटी होती है, उसमें विद इन दी बोर्ड मेंबर एक प्रेसिडेंट होता है और दो से चार जो भी उसके मेंबर्स हैं उसके मेंबर्स होते हैं और फिर और उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग होते हैं, तो वो सारी डिस्कशन करके फिजिबिलिटी बना के सारा कुछ डिस्कस करे, पहले वो कमेटी में अप्रूवल होती है, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो चीज आती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंप्लीट डिस्कशन होती है फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स, और हो सकता है कि उससे भी पहले वो उधर वो बोर्ड भी कहेगा जी इसकी ड्यू डिलीजेंस किसी फॉरन टर्म से करवाएं, आउटसाइड फर्म से करवाएं ड्यू डिलीजेंस, नहीं टेक्निकल एंगल से हर लिहाज से उस चीज़ को ऊपर देखा जाता है, फिर जाकर उसकी अप्रूवल होती है और उसकी फिर पहले छोटे स्केल पे उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर बड़े स्केल पे उसकी प्रोडक्शन होती है और फिर देन चीज़ें आगे मूव ऑन करती हैं। जैसे स्ट्रेटजिक डायरेक्शन की मैंने एग्जाम्पल दी थी, वो ये सारी जो मैंने बातें की अल्टीमेटली ये स्ट्रेटजिक डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, आपको जैसे कि ये सारा एक पैरामीटर बनता है, ये आपको पैरामीटर यही बनता है कि आपका ये टॉप पे आ गई, अब ये इस डिसीजन मेकिंग का ये CEMD इधर बैठा हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इधर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो आपको जो कमेटी है टेक्निकल कमेटी वो आ गई, देन बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटी
इसमें बिजनेस स्ट्रेटजी कमेटी आ गई, देन एग्जेक्टिव ECM एग्जेक्टिव कमेटी इसमें आ गई, और उसके बाद BIS बिजनेस इंटेलिजेंस कमेटी उधर आ गई, और उससे पहले ये आइडिया है, आइडिया जो उसके स्टेप्स है सारे, ये देखने के अपरली थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है। ये देखना, ये इतनी किस्म के स्टेप्स हैं, कोई भी चीज होती है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, पहले उसकी प्रोसेस डिसीजन मेकिंग में होती है, ये सिर्फ मैं डिसीजन मेकिंग में की मैं बात कर रहा हूँ, पहले बाकी स्टेप्स अपनी जगह, ये डिसीजन मेकिंग होती है हर जगह, उसको ये कहते हैं ना पूरी जो ना उसको कहने में बड़े तरीके से परख के चीज को ऊपर लाते हैं, ऐसे नहीं कि आप हमें आई और उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी और पता लगे कि लोगों को चीज पसंद ही नहीं है। आपने एग्जाम्पल मार्केटिंग में पहले भी देखी कि बात को तो आपने कोई अपनी ब्रांड के ऊपर कोई तस्वीर ऐसी लगा दी है कि वो लोगों को वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई लोगों की कुछ कहते मिथ ऐसी बनी हुई है कि फलाना फिगर या फलानी तस्वीर जो है ना उनके लिए नहुसत की निशानी है, समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ जो है ना आपकी टर्न डाउन हो जाए, बिल्कुल हो जाए। तो वो हर चीज़ हर एंगल से देखी जाती है, आप चीज लॉन्च करें पता गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं जी इसके अंदर पुरानी चीज है, तो वो चीज भी आपने देखनी है कि कोई ऐसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में उसके ऊपर मसला नहीं आता। जो बड़ी कंपनी है उन्होंने एक पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट रखा होता है कि जो भी चीज इस तरह आती है अल्टीमेटली दे टू गेट द कमेंट्स फ्रॉम देम, उसमें कमेंट्स लेने के बाद जो है वो अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज को कवर करते हैं कि इस चीज में कितनी जान है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, और wherever it is required they do give these suggestions ke haan ji iske liye ye hai। ab ye hai ki cheez banane ke ho sakta hai ki aapko hr ke committee mein aayenge ki hr wala although wo hr wala executive committee business strategy committee aur dusri jo hr and r committees ke wo member hote hain ye handle kar rahe hote hain wo cheez unke paas jati hai aur apni input dete hain। वो मैं कहने का मकसद है कि आप नई प्रोडक्ट या कुछ चीज़ हायर हो सकता है कि उसके अंदर आपको उनको एक्सपर्ट स्पेशल लोग भी हायर करने पड़ जाए, वो ज़्यादा स्पेशल लोग हायर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैन पावर भी बढ़ जाएगी, आपकी हायरार्की में भी चेंजेस आएंगी और वो कॉस्ट भी बढ़ेगी, वो अल्टीमेटली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट जाएगा। तो वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि परसेंटेजेस आप देखते हैं कि कितनी परसेंट कौन सा प्रॉफिट पहले जो मेन आपकी जो प्रोडक्ट चल रही है और ये न्यू प्रोडक्ट है, दोनों में कितना परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का, ज़ाहिर अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें टर्न आउट केयरफुली प्लान्ड एंड सिक्योर योर न्यू प्रोडक्ट बट डू इट क्विकली, डू वर्ल्ड इसमें क्विकली मतलब है कि जो भी चीज़ करना करें वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आपने एक नया काम इस तरह शुरू कर दिया इट इज टेंटामाउंट टू अदर एक्टिविटीज, आपने वो टाइम इधर से हाईजैक किया जो बाकी आप रूटीन में काम कर रहे थे, आपने इस आइडिया पे अपना काम किया, इसलिए वो जो शुरू में आइडिया स्क्रीनिंग की जाती है उसमें बड़ी डिटेल में देखा जाता है कि इस आइडिया में जान है कि नहीं है, और अगर वो देखते हैं कि यार इस आइडिया में कोई जान ही नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम या बिल्कुल इसका फायदा नहीं है, तो वो उसको उधर ही टर्न डाउन कर दें, क्योंकि तो नहीं जी इसमें टेक्निकली लीगली कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द इशू। ठीक है जी, बाज़ अवकात कहते हैं अनएथिकल चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है, यूजुअली ऐसा होता भी है, कोई लिकर टाइप या ऐसी आप चीज़ें जो कि बैन है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ऑथराइज, तो लोग वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ज़्यादा होगा, वो तो ठीक हो गई, लेकिन वो जो लीगली भी नहीं है, एथिकली भी नहीं है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ऑथराइज नहीं है, दैट शुड नॉट हैपन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर। वी रमजान है, रमजान में लोगों की प्रेजेंस थोड़ी सी क्वेश्चनेबल ही होती है, हो रही है, एनीवेज कोई बात नहीं।